क्या होता है, गुनोरिया अपनों ने देख लिया इसमें होता है। फिर है देयर इज प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज, इस गुनोरिया जो ऑप्थैल्मिया न्यूनेटरम है ना, इसमें आंखों से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, पुरुलेंट डिस्चार्ज। कॉर्निया इसमें ओपेक हो जाता है, अल्सरेटेड हो जाता है, लिड्स सोर थिक स्वॉलन विद विच अग्लूटिनेट इन द मॉर्निंग, मतलब कि जो लिड्स है ना वो अग्लूटिनेट हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है मॉर्निंग के टाइम पे। ये जो ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम है ना, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम भी आती है, साथ में थूजा मेडिसिन में भी ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम होता है, ये दोनों के अंदर होता है। ये आप वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ सकते हैं कि ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम क्या है और कौन सी मेडिसिन इसमें दी जा सकती है। सो आप दे सकते हो अर्जेंटम नाइट्रिकम और थूजा। इसके बाद है ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस, यानी कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टाइवा का, स्कारलेट रेड रॉबिफ एकदम लाल हो जाती है आंखें। ये कब होगा, जो मतलब नीडल वर्क करते हैं या आईज आई स्ट्रेन, जिस भी काम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आंखों पे दबाव पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, आंखें लाल हो जाती है, ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। प्यूपिल डायलेट होते हैं इसमें विद डिमनेस ऑफ विजन एंड इंटेंस फोटोफोबिया, तो इसमें पर्सन को फोटोफोबिया भी हो सकता है, उसमें भी हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं इन सारे सिम्टम्स में, जहाँ पे ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस ऑप्थैल्मिया न्यूनेटरम है। फोटोफोबिया होता है, इनर कैंथाई स्वॉलन होती है, कंजेस्टेड है, जो सीलियरी मसल है उसकी पैरालिटिक कंडीशन होती है, सीलियरी मसल मसल प्यूपल के ऊपर एक्ट करती है, तो उससे एकोमोडेशन भी डिफेक्टिव हो जाता है। एग्रवेशन कैसे होगा, वर्स इन वार्म रूम सिटिंग बाय द साइड ऑफ फायर एंड ब्राइट लाइट, ऑब्वियसली बात है इसको क्या, फोटोफोबिया, तो एग्रवेशन कैसे होगा, लाइट के पास बैठने से, फायर के पास बैठने से, जहाँ जो आंखों पे बहुत चुभ रही है लाइट, उससे उसको एग्रवेशन होता है। एम्ब्लोरेशन होगा डार्क रूम में ठंडा कुछ कोल्ड एप्लीकेशन से, ठीक है। फिर है इसका जीआईटी, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जीआईटी। स्टमक इज फुल ऑफ फ्लैटुलेंस एज इफ इट वुड बर्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि इसको पहले भी हमने जब गाइडिंग सिम्टम पढ़े उस टाइम क्या था, बेल्चिंग आ रहा था, तो बेल्चिंग के अंदर गैस एक्यूमुलेटेड है, तो फ्लैटुलेंस भी है इसमें, स्टमक में इतनी गैस है, ऐसे लगता है अभी स्टमक फट जाएगा। एयर रशेज आउट विद ग्रेट वॉयलेंस बोथ वेज विदाउट एनी रिलीफ, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया होता है, यानी कि इतनी गैस एक्यूमुलेटेड है कि उसकी वजह से पर्सन का जो पेट है उसका डाइजेशन खराब हो चुका मतलब हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद दिया हुआ है मोडालिटीज, एग्रेवेशन इज फ्रॉम स्वीट आइसक्रीम इमोशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, उसको स्वीट चीज़ों की क्रेविंग है, ये हमने देखा था पहले, तो मीठी चीज़ों की क्रेविंग है और मीठी चीज़ों की वजह से ही उसके अंदर ये फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया हो रहा है। फर्दर देखते हैं इसका एम्ल्योरेशन कैसे होती है, एम्ल्योरेशन एम्ल्योरेशन होगी फ्रॉम इरेक्टेशन प्रेशर एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम द स्वीट एंड कोल्ड फूड, तो इरेक्टेशन से क्योंकि गैस है तो ऑब्वियसली इसको रिलीफ कैसे मिलेगा, इरेक्टेशन से। डायरिया, डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टाइप का होता है, एक है नर्वस डायरिया, एक है जीआईटी डिसऑर्डर से होने वाला डायरिया। अगर आपको माइंड आते हैं तो आप डायरिया जो नर्वस डायरिया वो तो लिख सकते हो, माइंड में क्या था, एप्रीहेंशन था, बार बार उसको क्या चीज़ें सोच रहा था और उसको सोच सोच के ही उसकी वजह से उसको डायरिया है, सेम ये होएगा नर्वस डायरिया, इट सेट्स इन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मेंटल इमोशन नर्वसनेस, देर इज ग्रेट एप्रीहेंशन एंड द पेशेंट इज रेडी टू गो टू चर्च ओपरा और अपियर फॉर द एग्जामिनेशन और बिफोर पब्लिक और एनी अदर एंगेजमेंट, सडनली डायरिया कम्स इन, कोई भी जगह पे जाना है, ओपरा में जाना है, चर्च में जाना है, लोगों से मिलना है, एग्जामिनेशन देने जाना है, कोई भी चीज़ जिसको लेके वो बार बार सोच रहा है, टेंशन वाली चीज़ जहाँ पे लोग इन्वॉल्व होंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ पे इसको लग जाता है डायरिया। ऑल दो देर इज नो पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट द स्टूल, देर इज वाटरी स्टूल विद इनटॉलरेबल ऑफेंसिवनेस एंड अर्जिंग, सिंपल है इसके डायरिया में कोई ऐसे करेक्टर नहीं है, डायरिया में क्या है, वाटरी स्टूल होता है, ऑफेंसिव स्मेल है, सेम वही इसके अंदर दे रखा है। बट इमीडिएटली द पर्सन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द टास्क फॉर विच ही वॉज प्रिपेयरिंग, द डायरिया डिसअपियर्स एंड ही इज परफेक्टली वेल एंड अकम्प्लिशेज द असाइनमेंट क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली, जैसे ही वो काम करना शुरू करता है उसका डायरिया चला जाता है और वो अपने काम को सेटिस्फैक्टरी तौर पे पूरा कर लेता है, एकदम अच्छे से पूरा करता है, डायरिया मतलब बस काम शुरू करने से पहले पहले उसको रहता है, लेकिन बाद में वो डायरिया। दूसरा दिया हुआ है डायरिया ड्यू टू जीआईटी डिसऑर्डर्स, इसकी कॉजेशन क्या, मीठी चीज़ें जैसे कि शुगर है, कैंडी है, स्वीट मिल्क, सॉल्ट एक्सेट्रा, आफ्टर वीनिंग इन चिल्ड्रन, मेंटल शॉक आफ्टर लॉन्ग मेंटल एक्जर्शन, मेंटल एक्जर्शन भी डायरिया का कारण हो सकता है बच्चों में। उसके अलावा दिया हुआ है सेंसेशन एज इफ एबडोमन वुड बर्स्ट विद विंड, करेक्टर स्टूल, स्टूल इज वॉटरी ग्रीन एंड टर्निंग टू ग्रीन वेन लेफ्ट ऑन डायपर, तो एब्डोमेन में तो वही सेंसेशन रहेगी क्योंकि गैस एक्यूमुलेटेड है, तो सेंसेशन कैसे लगेगी, ऐसे अभी पेट फट जाएगा ऐसा लगेगा।
स्टूल कैसा है, इसमें स्टूल का करेक्टर दिया है ग्रीन कलर का स्टूल होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चॉप्ड स्पिनेज जैसा इसका स्टूल होता है, बच्चों का जैसे बच्चों के अंदर होता है ये वाला डायरिया, तो बच्चों में क्या होगा कि जो डायपर पे अगर स्टूल पड़ा रह गया तो वो धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा।